गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेसन 6 टू काइंड्स ऑफ पीपल का एक्सरसाइज 1 का जी से एफ तक का क्वेश्चन आंसर हो गया था। अभी हम लोग जो रिमेंट क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, जी में है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिफ्टर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिफ्टिंग, लिफ्टिंग वर्ड से आप क्या समझते हो। तो लिफ्टर और लीनर के बारे में आप जान चुके हैं कि लिफ्टर वे लोग होते हैं जो अक्सर दूसरों का हेल्प करते हैं, दूसरों का मदद करते हैं, दूसरों का केयर करते हैं और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खूब उठाते हैं, किसी पर भार नहीं डालते हैं, तो वो कहलाते हैं लिफ्टर, मतलब अपना दायित्व को समझने वाला। और लीनर होता है जो कि दूसरों के अधीन होता है, दूसरों के अधीन मतलब दूसरों के अंडर रहना, दूसरों का हिस्सा में से अपना हिस्सा ढूंढना, जैसे मदद के लिए या फिर हर चीज़ के लिए दूसरों पर आश्रित होना, वो कहलाता है लीनर। तो यहाँ पे लिफ्टिंग मीन्स होता है उठाना, मतलब लिफ्टर आप कैसे बन सकते हैं। यहाँ पे आंसर होगा आई अंडरस्टैंड बाय लिफ्टिंग दैट हेल्पिंग और केयरिंग फॉर एनीवन, मतलब यदि आप किसी का मदद करते हैं, किसी का सहारा बनते हैं, किसी का देखभाल करते हैं तो आप उनका लिफ्टर बनते हैं। तो इस कविता में लिफ्टिंग का मतलब यही है कि सहारा बनना, हेल्प करना, केयर करना, मेहनत करना, ये सब क्या चीज़ है, लिफ्टिंग है। नेक्स्ट है एच, व्हाट काइंड वुड यू लाइक टू बी, आप किस तरह का बनना पसंद करोगे। तो आप लीनर बनना पसंद करोगे या लिफ्टर। यदि आप अपना काम स्वयं करते हैं, खुद करते हैं और इसके अतिरिक्त आप दूसरों का हेल्प करते हैं तो अब आप लिफ्टर कहलाएंगे। और यदि आप हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं तो आप क्या कहलाएंगे, लिफ्टर कहलाएंगे। कि हर काम के लिए, जैसे आपको नोट्स बनाना है, आपके कपड़े धोने हैं, तो आप दूसरों पर डिपेंड करते हैं तो आप क्या है, लीनर है। तो आप क्या बनना पसंद करोगे, लिफ्टर या लीनर, तो वहीं पे जवाब देना है। आई एम अ लिफ्टर। यदि आप अपना काम खुद करते हो, दूसरों का सहारा बनते हो तो आप लिख सकते हो आई एम अ लिफ्टर। यदि आप दूसरों अपना काम खुद नहीं करके दूसरों से कराते हो तो आप एक लीनर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर यू, लिफ्टर और लीनर, आप क्या हो, लिफ्टर हो या लीनर हो। तो आंसर आप अपने से सोच के दे सकते हैं, पर आपको लिफ्टर बनना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर होगा आई एम अ लिफ्टर। हाउ कैन यू बिकम ए लिफ्टर, आप एक लिफ्टर कैसे बन सकते हो। आंसर है आई कैन बिकम ए लिफ्टर बाय हेल्पिंग और केयरिंग ऑफ अदर्स। आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं, जैसे मेहनत करना, लेबर, लवेरियस बनकर, या फिर दूसरों का हेल्प करके। तो आई कैन बिकम ए लिफ्टर बाय हेल्पिंग और केयरिंग ऑफ अदर्स, मैं दूसरों का मदद करके और उनकी देखभाल करके एक लिफ्टर बन सकता हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2, मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग, नीचे दिए गए वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है। ये बहुत ही आसान है, आप खुद भी बना सकते हैं। पोर्शन मीन्स होता है अंश या हिस्सा। आई विल स्टे हेयर इन दिस पोर्शन ऑफ हाउस, में इस घर के इस पोर्शन में रहूंगा। नेक्स्ट है एच, हेल्थ, हेल्थ मीन्स होता है स्वास्थ्य। योर हेल्थ विल बी ऑल राइट इन अ फ्यू डेज, आपकी स्वास्थ्य कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है वेल्थ मीन्स धन या संपत्ति, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। बाकी है आपका लाफ्टर एंड ओवर टैक्स, लाफ्टर मीन्स होता है कर और ओवर टैक्स मीन्स होता है भार से, जितना भार आप ढो सकते हैं उससे अधिक ढोना ये, या फिर कर, अत्यधिक कर लगाना, ये है आपका ओवर टैक्स।